नमस्कार, ऐसे सुधा में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिव कुमार तिवारी। पूरे सुजानगढ़ में 9 दिन की दुर्गा पूजा के बाद में आज माँ भगवती की विदाई का दिन है, आज मूर्तियों के विसर्जन का दिन है और इस समय मैं आपको सुजानगढ़ के भोजलाई बास में सांड चौक स्थित रमकी बाई के नोरे का दृश्य दिखा रहा हूँ, जहाँ पर 9 दिन की भव्य माँ दुर्गा की पूजा हुई। पहली बार यहाँ पर पूजा का कार्यक्रम हुआ, नित्य दोनों टाइम आरतियाँ और रात्रि में बहुत ही सुंदर यहाँ पर डांडिया के कार्यक्रम आयोजित किए गए। आज यहाँ पर भंडारे का आयोजन किया गया, कन्याओं का पूजन हुआ, कन्याओं को प्रसाद जिमाया गया और अब तमाम भक्त देवी माँ को यहाँ से विदा करने के लिए गाजे बाजे के साथ तैयार हो रहे हैं। माँ भगवती की बहुत ही सुंदर प्रतिमा आप देख रहे हैं, जिनकी 9 दिन तक पूजा की गई है। सबके चेहरे आज उदास नजर आ रहे हैं क्योंकि 9 दिन का खूब आनंद रहा और अभी माँ की विदाई होने वाली है। 12 महीने के बाद अगले नवरात्रा में फिर हम देवी माँ को बुलाएंगे, फिर देवी माँ की पूजा अर्चना करेंगे, आनंद मनाएंगे। फिलहाल आइए अब हम देवी माँ की मूर्ति के विसर्जन के जुलूस का अवलोकन करते हैं। भोजलाई बास सांड चौक में रमकी बाई के नोरे में दिव्य मूर्ति के हम दर्शन कर रहे हैं। 9 दिन की पूजा के बाद अब माँ की विदाई होने वाली है और आप देख रहे हैं देवी के रूप में कन्याएं जो कि अभी झांकियों में विराजमान होंगी और पंडितों के द्वारा बहुत विधान से यहां पर पूजा करवाई गई। आचार्य के रूप में पंडित लालचंद जी कौशिक और उनके साथी जाट मंदिर के पुजारी जी, प्रजापति मंदिर के पुजारी जी और अभिनंदन, सभी ने बहुत विधान से देवी माँ की 9 दिन तक पूजा करवाई। खूब नृत्य हुआ, खूब भक्तों ने सेवा की और अब देवी माँ की मूर्ति का विसर्जन होगा। भोजलाई तालाब के लिए यहाँ से शोभा यात्रा रवाना होगी। बहुत बड़ी संख्या में महिलाएं आप देख रहे हैं शोभा यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंची हैं। बहुत ही सुंदर डांडिया के कार्यक्रम हुए, 9 दिन तक युवा दशाएं लेकर तैयार हैं शोभा यात्रा के लिए। सुजानगढ़ भोजलाई बास में रमकी बाई के नोरे में आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में आप दुर्गा माता की मूर्ति के विसर्जन का जुलूस देख रहे हैं। कितना उत्साह आप देख रहे हैं, भारी भीड़, मोहल्ले के नर नारी आप देख रहे हैं पूरी श्रद्धा के साथ चल रहे हैं।
सुजानगढ़ रोजाई पास में रणकी बाई के दौरे में आयोजित दुर्गा पूजा महोत्सव में आप दुर्गा माता की मूर्ति के विसर्जन का दृश्य देख रहे हैं। कितना उत्साह देख रहे हैं, भारी भीड़ मोहल्ले के नर नदी आप देख रहे हैं, पूरी श्रद्धा के साथ चल रहे हैं, नृत्य हो रहा है, गाजे बाजे से माता जी की विदाई हो रही है आप देख रहे हैं। और भोजलाई के तालाब में भोजलाई के सरोवर में मूर्ति विसर्जन करने के लिए गाजे बाजे से शपथ लेकर जा रहे हैं। Thank you.
ढल रही है और तमाम जुलूस नाथो तालाब के फतेहपुरिया सरोवर पहुंच रहे हैं। पीछे आप देख रहे हैं माताजी की मूर्ति को अब विसर्जन के लिए फतेहपुरिया सरोवर तक लाए गए हैं। गाजे बाजे के साथ गुलाल उछालते हुए झूमते हुए भक्त यहां पर पहुंचे हैं। नौ दिन की दिव्य पूजा माताजी की गई है और अब माताजी को विदाई की जा रही है। विसर्जन का पहला जुलूस यहाँ पर पहुंच चुका है और माताजी की मूर्ति का विसर्जन फतेहपुरिया सरोवर में किया जा रहा है। आप देख रहे हैं भक्त जयकारे कर रहे हैं, रंगों में सरोवर भक्त। फतेहपुरिया सरोवर का दृश्य आप देख रहे हैं। मूर्ति का विसर्जन होने वाला है। फतेहपुरिया सरोवर के चारों ओर आप देख रहे हैं भक्त दर्शन कर रहे हैं और ये आप देख रहे हैं जेसीबी मशीन से एक मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है। हरिजन बस्ती की ये मूर्ति है। आप देख रहे हैं मूर्ति का विसर्जन जेसीबी से किया जा रहा है। हरिजन बस्ती की ये मूर्ति बड़ी मूर्ति है और जेसीबी मशीन से इसका विसर्जन किया जा रहा है नाथो तालाब के फतेहपुरी सरोवर में।
जेसीबी मशीन से आप देख रहे हैं मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं फतेहपुरिया सरोवर में मूर्ति को उतारा जा रहा है। 9 दिन की पूजा के बाद में मूर्तियों का विसर्जन आज फतेहपुरिया सरोवर में किया जा रहा है। और इस मूर्ति को आप देख रहे हैं सरोवर में उतारा जा रहा है जेसीबी मशीन से। चारों तरफ आप देख रहे हैं भक्त खड़े हैं, जयकारे कर रहे हैं। ये आप देख रहे हैं मूर्ति का विसर्जन हो रहा है फतेहपुरिया सरोवर में। हरिजन बस्ती में दर्जन भर स्थानों पर पूजा होती है और अब आप देख रहे हैं मूर्ति का विसर्जन जल में किया जा रहा है। जेसीबी मशीन से आप देख रहे हैं मूर्ति को उतारा जा रहा है, क्योंकि भारी मूर्ति है, काफी जोखिम भरा रहता है अगर भक्त लेकर उतरे पानी में। सुजानगढ़ का दृश्य आप देख रहे हैं, आज विजयादशमी का त्यौहार मनाया जा रहा है, साथ में माता जी की मूर्तियों का विसर्जन हो रहा है। और नाथो तालाब स्थित फतेहपुरिया सरोवर में एक मूर्ति का विसर्जन आप देख रहे हैं जेसीबी मशीन से किया जा रहा है। मूर्ति सरोवर में उतर चुकी है, कांटे से निकाला जा रहा है। और ये आप देख रहे हैं विसर्जन कर दिया गया है। सभी जयकारे कर रहे हैं, जेसीबी मशीन से मूर्ति का विसर्जन किया गया है। मूर्ति को आगे करने के प्रयास में ये दो युवा पानी में उतरे हैं, ये अच्छा नहीं है, इस तरह से जोखिम नहीं उठाना चाहिए। विसर्जन तो हो चुका है, इसको अब सीधा किया जा रहा है। नया बास में जौहर स्कूल के पीछे जो दुर्गा पूजा हुई उसकी मूर्ति का विसर्जन होगा। विसर्जन से पहले आरती की जा रही है। विसर्जन से पहले माताजी की आरती की जा रही है। नया बास जौहर स्कूल के पीछे दुर्गा पूजा पंडाल की मूर्ति आप देख रहे हैं यहाँ पर। पिछले लगभग 25 वर्षों में सुजानगढ़ में दुर्गा पूजा शुरू हुई। शुरुआत सूर्य भगवान मंदिर से हुई, जहाँ पर इस बार 21वां दुर्गा पूजा महोत्सव मनाया जा रहा है। अब सुजानगढ़ में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा स्थानों पर दुर्गा पूजा हो रही है, जिसमें हरिजन बस्ती में लगभग 1 दर्जन से ज़्यादा स्थान है। और ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं जिसमें अभी आरती हो रही है, इसका विसर्जन होने वाला है, ये नए बास में जौहर स्कूल के पीछे दुर्गा पूजा पंडाल से आई है। और अभी भी बहुत सारे जुलूस नाथो तालाब पहुँच रहे हैं, और इधर मूर्तियों का जुलूस पहुँच रहा है, विसर्जन हो रहा है। उधर नाथो तालाब पे आज रावण दहन के लिए 3 पुतले लगाए गए हैं, रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ का। कुछ ही देर के बाद में रावण के पुतलों का दहन होगा। सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन हो रहा है। वैसे विसर्जन गणेश चतुर्थी होता है, लेकिन अनेक पंडालों में गणेश जी की भी पूजा होती है माता जी के साथ। और नगर परिषद के कर्मी इसमें सहायता कर रहे हैं। पहले गणेश जी की मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है। सुजानगढ़ के फतेहपुरिया सरोवर का दृश्य आप देख रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों से नगर परिषद के द्वारा यहां पर विसर्जन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की जाती है। इस फतेहपुरिया सरोवर में एक्स्ट्रा पानी डाला जाता है, यहाँ पर लाइटिंग की व्यवस्था की जाती है। आपको पता है 5-6 साल पहले एक दुर्घटना में 2 बच्चों की मौत यहाँ पर हो गई थी। उसके बाद में प्रशासन काफ़ी चौकस रहा है, पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात किए जाते हैं, नगर परिषद के कर्मी यहाँ पर तैनात किए जाते हैं, और विसर्जन में बहुत एहतियात बरता जाता है, बहुत सुरक्षा बरती जाती है। और आप देख रहे हैं पर्याप्त मात्रा में पानी है और मूर्तियों का विसर्जन यहाँ पर शुरू हो चुका है।
महेंद्र जी के नेतृत्व में आप देख रहे हैं, यहाँ पुलिस की टीम तैनात है सुरक्षा व्यवस्था के लिए। आप देख रहे हैं काफ़ी उत्साह है सभी में, बहुत बड़ी संख्या में युवतियाँ आप देख रहे हैं जुलूस के साथ आई है, महिलाएं साथ में आई है। आप देख रहे हैं मूर्ति को विसर्जन के लिए ट्रैक से उतारा जा रहा है। आप देख रहे हैं विसर्जन के लिए मूर्ति को तालाब में लाया जा रहा है। अरे आप देख रहे हैं मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है। अब आप देख रहे हैं मूर्ति को उतारा जा रहा है तालाब में। मूर्ति का विसर्जन किया जा रहा है। नया बास की माता जी की मूर्ति का विसर्जन पतपुरिया सरोवर में किया जा रहा है, आप देख रहे हैं। और ये आप देख रहे हैं विसर्जन हो चुका है। आप देख रहे हैं जयकारे लग रहे हैं।